कांग्रेस ने यूपी चुनाव में जातियों के राजनीतिक समीकरण को समझकर अपना दांव खेल दिया है। कांग्रेस ने ओबीसी के 27% आरक्षण में अति पिछड़ी जातियों के लिए अलग से आरक्षण कोटे की घोषणा की है। कांग्रेस अति पिछड़ों के आरक्षण की मांग अपने घोषणा पत्र में शामिल कर राज्य में सरकार बनने पर इसे मूर्त रूप देगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में यूपी से आए अति पिछड़ी जातियों के करीब 150 प्रतिनिधियों के बीच आरक्षण की घोषणा की। इस दौरान राहुल ने कहा कि पिछड़ों में तमाम ऐसी जातियां जैसे नाई बढ़ई, तेली गड़रिया, पाल बघेल, मल्ला कहार आदि हैं, जिनकी पहचान उनके पेशे से जुड़ी है, लेकिन बदलते वक्त तकनीकी युग में वो और पिछड़ गए हैं और अपनी पहचान खो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि उनकी अस्मिता की रक्षा की जाए। पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों को ही आरक्षण का पूरा लाभ मिल रहा है। हमारा मकसद है कि पिछड़े वर्ग के हर नागरिक को आरक्षण मिले। कांग्रेस ने दावा किया कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनी तो वो इस आरक्षण को 6 महीने के अंदर लागू कर देगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद में कांग्रेस अपना हर दम खम दिखा रही है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कार्ड खेलकर कांग्रेस अपनी झोली में जीत हासिल कर पाती है या नहीं, ये देखना बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।